ये घी किस चीज का होता है? चोरू का है, ये नहीं मिलेगा। चोरू 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 क्या होता है? किसी और चीज़ का। अब ये एक आखिरी चैन है और आखिरी चांस, अगर इससे काम बन गया ठीक, नहीं बनता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम। नमस्ते YouTube फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम है जिस्पा गांव में, ये हिमाचल का एक छोटा सा गांव है। इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा है। अगर आप कभी घूमने आओगे हिमाचल में या फिर कैंपिंग करने के लिए आओगे, रात -2 तक टेम्परेचर चला गया था। अगर हम बाहर होते वहां कैंप लगा रखा था तो हमने तो मतलब हमारी हालत खस्ता होने वाली थी। तो भाई अपनी तो कॉफी रेडी है बिल्कुल गर्मा गर्म, और गाइस खाने के सामान की हमारे पास कमी नहीं है। 2 से 3 दिन का हम राशन ले रहे हैं कि अगर हमें कहीं पे रुकना पड़ जाए तो हमें दिक्कत ना हो। एक मस्त पार्ले जी खाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अम्मा। गुड मॉर्निंग। तो गाइस आपने देखा होगा कि हमें एक प्रॉपर तरीके से सामान सेट करने में भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। कम से कम आधा घंटा हमारा इसमें चला जाता है। देखो कितना सारा लगेज है भाई, बहुत टाइम लग जाता है। कुछ भी आसान नहीं है। अम्मा से पूछ लो खुद, अम्मा कितना टाइम लग गया हमें? काफी टाइम लग गया, 5 बजे से उठा। क्योंकि भाई हमें सुबह उठना पड़ता है जल्दी, और सबसे बड़ी बात है एडिटिंग करनी पड़ती है भाई, वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, पूरा दिन साइकिलिंग करनी पड़ती है, तब कहीं जाके भाई एक व्लॉग बनता है। भाई कसम से कह रहा हूँ भाई, एक व्लॉग बनाने में हमारी इतनी मेहनत होती है बहुत ज्यादा। पूरा दिन साइकिलिंग करो, व्लॉगिंग करो, सामान उतारो रखो, पावर बैंक चार्ज करो, फिर टेंट लगाओ, खाना बनाओ या फिर बाहर खाओ। अगर डाटा नहीं मिलता तो फिर उसके बाद कहीं डाटा देखो, तब जाके वीडियो अपलोड करो। भाई इतना टाइम लग जाता है ना भाई, एक वीडियो एक व्लॉग बनाने में हमारी जान निकल जाती है भाई। और सबसे बड़ी बात है भाई, भाई जितना हमसे हो सकता है ना, हम उतनी मेहनत करके आप तक भाई वीडियो पहुंचाते हैं, व्लॉग अपना पहुंचाते हैं, पर भाई उसके बाद अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई कैसे चलेगा। भाई जितना हो सकता है ना उससे ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करो। जितने अपने यार दोस्त हैं सबको बोलो, सबके पास वीडियो शेयर करो भाई, क्योंकि इस टाइम आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है आपके भाई को। एक तो सांस फूलने लगती है और ऊपर से तो हम साइकिल पे हैं, तो भाई बहुत मुश्किल है, कुछ भी आसान नहीं है। रियलिटी बताऊं तो अगर कोई भाई व्लॉग देख के और तुम साइकिल उठा के आ जाओ तो भाई ऐसा मत करियो, प्रॉपर तरीके से पूरा रेडी हो गया ना। क्योंकि भाई मेरा सीन ये था, 2 दिन की प्लानिंग, 2 दिन के बाद 3रे दिन साइकिल उठा के मैं चल दिया। तो भाई ऐसा मत करियो कभी भी, क्योंकि भाई मुझे तो आ रहा है मजा, सच्ची बताऊं तो। क्योंकि ये चीज मैं पहले से ही करने वाला था, मतलब कि मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसा करूं, और अब मैं ऐसा कर रहा हूं तो भाई मैं सच्ची बताऊं मुझे आ रहा है मजा। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं वापस जाऊं, चाहे आगे कुछ भी हो कोई परवाह नहीं है। जब तक हमें कोई रोकेगा नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। ब्लैक टी? अच्छा ब्लैक टी पीना ऊपर? अच्छा उससे क्या होगा, ठंड कम लगेगी। अम्मा आ गए, आ गए। देखो कितना प्यारा, कितना प्यारा रूम है। ये अम्मा की किचन है एक छोटी सी। अच्छा ब्लैक टी, ये हमारी ब्लैक टी बन के रेडी है। अच्छा एक गिलास देते नहीं, नहीं 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 ऐसे 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 ट्रे नहीं, ट्रे की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। ये है सत्तू, अम्मा जी बोल रही है कि ये सत्तू है, ये हमारा सत्तू खाओ। अब हम सत्तू खाएंगे और फिर ब्लैक टी पियेंगे। ओह ब्लैक टी। ये घी किस चीज का होता है? चोरू का है, ये नहीं मिलेगा। चोरू 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 क्या होता है? किसी और चीज का मतलब, उससे अच्छा वाला चोरू बोलते हैं। चोरू चोलू क्या होता है? याक का घी। अरे वाह, हम भी हाथ से ही खाते हैं। जो हमारी साइड है ना यूपी में, सब हाथ से ही खाना खाते हैं। मतलब कि जो शहर में हो गया, सिटी वगैरह हो गए, उनमें मतलब कि चम्मच से खाते हैं। वैसे हमारे वहाँ जैसे चावल होते हैं, चावल और कड़ी कड़ी वो सब हाथ से ही खाते हैं नीचे बैठ के ही। वो अम्मा से लेते हैं विदा और चलते हैं अपनी यात्रा पे। ठीक है अम्मा, मिलते हैं फिर कभी अगर आना हुआ तो। उस साइड आना, यूपी 19 सामने साइड। मेरी शादी है नवंबर में। अच्छा आ जाओ। हाँ आराम से 4-5 दिन रह के आना। हाँ बिल्कुल, मैंने नंबर दे दिया। आप जब भी आना हो NCR में कभी भी आप फोन करते हैं, मतलब कि दिल्ली NCR में कहीं भी आपका वेलकम है। हेलो, कल हमने वहाँ पे टेंट लगाया था नीचे। तो भाई जिस्पा एक बहुत खूबसूरत जगह है, अगर तुम्हें कैंपिंग करनी है कभी इस साइड आना हुआ तो भाई जिस्पा में एक रात के लिए स्टे जरूर करना भाई, बहुत खूबसूरत जगह है। चलो अब आ रहा है।
जा। ऊपर जाते वक्त तो भाई सजा मिलती है, जब नीचे आते हैं ना सच बताऊं तो इतनी ज्यादा खुशी मिलती है ना, बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत ज्यादा प्यारी। पानी देखो कितना साफ है, मतलब पानी इतना साफ है भाई, कल हमने इसमें मैगी बनाई थी भाई और इसी से ही हमने कॉफी वगैरह इसी से बनाई थी, बहुत साफ पानी है। और भाई जो व्यू की बात करोगे तो भाई नेक्स्ट लेवल, धीरे धीरे इसको पूरा कर रहे हैं अपने सपने को। 2 किलोमीटर साइकिल घसीटने के बाद अब ढलान आई है भाई, और जो नजारा है ना मजा आ रहा है, जब चढ़ाई चढ़ते है ना भाई तो भाई तुम्हारी कसम दिन में तारे दिखने लग जा। हम आ गए हैं डारचा, और डारचा के पास तुम व्यू तो देख रहे होंगे कितना प्यारा है। हाय, सुबह से भाई कॉफी ब्लैक टी में हूँ, अब भाई चने और छुहारे खा रहा हूँ, और भाई इसमें कच्ची मूंगफली है, देखो हम कहाँ पे ले वो देखो, और अब हम कहाँ हैं यहाँ, भाई की चैन टूट चुकी है भाई, लो भाई हो गया नुकसान, साइकिल की चैन टूट गई। अब यार इतने ऊपर आ गए हैं, देखो आसपास कोई भी नहीं है कोई भी, चलो भाई अब तो पैदल चलना पड़ेगा। लोगों को बहुत आसान लगा कि हाँ आसानी से जा रहे हैं वो, भाई रास्तों में बहुत सारी मुश्किलें भी हुए, और सबसे बड़ी मुश्किल ये है बताओ, अब कम से कम 1 क्विंटल नहीं, ये 1 क्विंटल 20 किलो से ऊपर होगा। सिजरोन बीमार हो गई है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब सिजरोन जल्दी ठीक हो जाएगी तो दिक्कत मत ले। अब इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं तो यहाँ पे तो कोई साइकिल वाला भी नहीं मिलने का, देखो कैसे होता है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। वो वाली चैन तो ठीक नहीं हुई, तो नई चैन निकाली है, अगर देखते हैं हमसे लगी तो ठीक, तो फिर तो पैदल खींचना पड़ेगा। तो अब ये नई चैन जोड़ रहे हैं और शायद होपफुली ये थोड़ा इजीली जुड़ जाए, जुड़ जाएगी, इसमें लॉक खुला होता है ना, अब ये ठोकना है बस एक लॉक पत्थर पे रख के। हो गया काम फिट, बना दे सबके बिगड़े काम, बोलो जय श्री राम। गाइज हमने चैन तो जोड़ दी थी पर वो गलत जोड़ दी, इसके नीचे को आनी थी, अब ये आनी थी इसके नीचे से, और ये ऊपर को डाल, और ये ऊपर को डाल दी। अब देखो कोई फायदा नहीं हुआ चैन जोड़ने का, मेरे पास एक एक्स्ट्रा चैन है, अगर ये खुल जाती है तो उसको लगा देंगे, इस तरह से फंस गई या तो एक गराड़ी निकालनी पड़ेगी। तो भाई लोग जैसे जैसे मंजिल पास में आती जा रही है ना तो मुश्किलें अब उतनी ही बढ़ती जा रही है, और चैन टूट गई, फिर उसके बाद जो दूसरी चैन लगाई वो गलत जुड़ गई, अब वो निकल नहीं रही है। कुछ बुरे के साथ कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि हमारी गई है चैन टूट, और हम इस टाइम में 11,000 फीट की ऊंचाई से भी ऊपर, और यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है कुछ भी, वो चैन भी हो गई है खराब। अब मेरे पास एक चैन है, उस चैन को लगा के देखते हैं, अगर काम बनता है ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही। अब ये एक आखिरी चैन है और आखिरी चांस, अगर इससे काम बन गया ठीक, नहीं बनता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम, दिख रहा होगा ना भाई लगे पड़े, एक चैन टूटी थी वो भी खत्म, फिर उसके बाद भाई के पास एक एक्स्ट्रा चैन थी वो भी खराब हो गई, फिर उसके बाद अब ये है। लो भाई तीसरी चैन भी आ गई, अब जोड़ने से पहले भाई 10 बार चेक करने, भाई ये वाली चैन भी हो गई है खराब, और भाई अब हमारे पास लास्ट चांस था वो भी हो गया पूरा, तो अब वेट है भाई किसका, लिफ्ट का, अब हो रहा है लिफ्ट का इंतजार, अब होती जा रही है हालत खराब, क्योंकि भाई की साइकिल ठीक नहीं हो रही है, और ऊपर से भूख लग रही है भाई, क्या करें, सुबह से कुछ खाया ही नहीं, क्या करना है अब, तो भाई लिफ्ट के सहारे है, क्योंकि भाई हमें जाना है कम से कम बहुत ऊपर, वहां तक नहीं जा पाएंगे अगर साइकिल ठीक नहीं हुई तो, किस्मत खराब आज के दिन, बहुत टाइम हो गया लिफ्ट भी नहीं आ रही है भाई, कोई आ ही नहीं रहा है, तो अब वापस जाना पड़ेगा नीचे, और नीचे वापस जाने के बाद देखते हैं कुछ मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो फिर और आगे वापस जाना पड़ेगा, जितना भी जोश भरा हुआ था ना अंदर सब खत्म हो गया यार, 40 किलोमीटर वापस जाना यार, 40 किलोमीटर वापस जाओ, फिर साइकिल ठीक करवाओ, फिर आओ, अब तक सब कुछ सही था भाई, अब कुछ भी ठीक नहीं है कुछ भी। सिजरोन में अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, कोई बात नहीं हो जाएगी, अगर कुछ बीच में मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे कुछ ना कुछ। तो अब टेंट लगा रहे हैं भाई, लेट हो गए, और ये यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहीं पे ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि भाई आगे जाने नहीं दे रहे, क्योंकि रात का टाइम है, तो बोल रहे हैं कि यहीं पे रुक जाओ कल सुबह निकल जाना, तो अब सुबह के टाइम निकलेंगे यहाँ से। और अब बाहर टेंट लगाए तो -5 और -6 के आसपास टेम्परेचर रहेगा, तो उसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। हवाएं चल रही थी तो हमने पत्थर वगैरह लगा दिए ताकि भाई हवा ना लगे, हवा से क्या होता ना इसकी जो आंच है पूरी लग नहीं पा रही थी, हवा से सारा इधर जा रहा था। तो दोस्तों हमारे पास फिर से एक एप्पल बचा हुआ था, तो हमने दोबारा फिर से एप्पल मैगी बना दी, और इस बार हमारे भाई ने एप्पल मैगी बनाई है, वाकई में टेस्टी बनाई है। तो गाइस हमने यहीं पे टेंट लगाया है चेक पोस्ट के पास में ही, और जो जो सामान हमने अंदर रखना था वो रख लिया है, पानी की बोतल और भाई चप्पल वगैरह अंदर ही रख लिया, और आप देख सकते हो भाई टेंट कितना अंदर तक गीला हो गया है, क्योंकि भाई पन्नी है, फिर उसके बाद रेन कवर है, और उसके बाद टेंट है, अब देख सकते हो भाई इतनी लेयर के बाद भी
पैंट अंदर से थोड़ा थोड़ा गीला हो रहा है। आज रात हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई हम हमारे ऊपर कोई छत नहीं है, हम बाहर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है भाई, आज से पहले हम माइनस में नहीं रहे, आज माइनस में टेम्परेचर जाएगा तो हमें नहीं पता कि ये सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो बहुत बड़ी बात है आज हमारे लिए। ठीक है गाइस, चैनल पे नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और कमेंट करे, जितना हो सके उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली के साथ रहे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।